हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्र स्टूडियोज। दोस्तों, एसएस राजा मौली की हालिया मैग्नम ओपस ट्रिपल आर ने वर्ल्ड वाइड रिलीज के महज 16 दिनों के अंदर 1000 करोड़ क्लब में एंट्री कर चुकी है। इसी के साथ ट्रिपल आर अब तक की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली इंडियन फिल्म बन गई है। सबसे पहले देखा जाए तो ये रिकॉर्ड आमिर खान के नाम पर था। आमिर खान ने दंगल फिल्म से लगभग 2000 करोड़ के आसपास का कलेक्शन किया था। उसके बाद सेकंड नंबर पे आई बाहुबली 2, जो कि खुद एसएस राजामौली की फिल्म है, और नंबर 3 पे है ट्रिपल आर, जो आजकल बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है। वेल, खास बात है कि राजामौली के पास दुनिया भर में इंडियन फिल्मों की टॉप 10 लिस्ट में 3 रिकॉर्ड हैं, जो देश के किसी भी दूसरे डायरेक्टर के पास नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि एसएस राजामौली वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इतिहास बनाने वाले एकमात्र ऐसे डायरेक्टर हैं जिनकी बैक टू बैक 2 फिल्में बाहुबली 2 और ट्रिपल आर 1000 करोड़ के क्लब में शामिल हुई। जूनियर एनटीआर और रामचरण स्टारर दो भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों पर बनी एक काल्पनिक पीरियड ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म को अपने ह्यूज सिनेमैटिक एक्सपीरियंस, एक्शन और ड्रामा के लिए अप्रिशिएशन मिली। यहां तक कि ब्रिटेन जैसे विदेशी बाजारों में भी इस फिल्म का खूब बोलबाला दिखा। जहां आमतौर पर इंडियन कमर्शियल फिल्में अच्छा बिजनेस नहीं कर पाती, ट्रिपल आर को अपने कमाल के वीएफएक्स के लिए भी सराहना मिली। देखा जाए दोस्तों तो एसएस राजामौली ने इंडियन सिनेमा में खुद के लिए एक यूनिक जगह बनाई है। एक के बाद एक उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं, मगधीरा, ईगा, छत्रपति, बाहुबली सीरीज, और अब ट्रिपल आर के साथ उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर अपनी मजबूती पकड़ अलग ही साबित की है। ट्रिपल आर बाहुबली की सफलता पर राजामौली कहते हैं, एक कहानीकार यानी कि स्टोरी टेलर की सबसे बड़ी जरूरत उसकी कहानी सुनने के लिए ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस की जरूरत होती है। आई एम ग्रेटफुल, हम्बल और ओवरवेल्म कि मेरे पास सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 ऐसी फिल्में हैं जिन्हें उन्होंने उस तरह का रिसेप्शन दिया और वो 1000 करोड़ क्लब में शामिल हुई। बाहुबली 2 और ट्रिपल आर दोनों की सफलता ने साबित किया है कि ह्यूमन फीलिंग्स के आधार पर एक फिल्म इंटरनेशनल बॉर्डर को काट सकती है और लैंग्वेज से परे अनुवाद कर सकती है। दोस्तों, 200 करोड़ से ऊपर की ओपनिंग देने वाली दो बैक टू बैक फिल्में देने वाले डायरेक्टर एसएस राजामौली, ये रिकॉर्ड अब तक किसी डायरेक्टर के पास नहीं है। देखा जाए तो सभी लैंग्वेज को मिलाकर बाहुबली 2 के बाद इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली दूसरी फिल्म है ट्रिपल आर। भारत में फिल्म ने 650 करोड़ से भी ऊपर का बिजनेस किया, जो कि अपने आप में काबिले तारीफ है। वेल, एज अ डायरेक्टर राजामौली कैसे हैं, उनकी फिल्में देखकर आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज़।